हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नंबर सीरीज कवर करने जा रहे हैं। एंड ऑफ दी वीडियो आपको बिल्कुल डिटेल में कम्प्लीटली नॉलेज होगी कि नंबर सीरीज का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको उसको कैसे कवर करना है, राइट? तो नंबर सीरीज इसके नाम से ही क्लियर होता है, ये गेम है नंबर्स की, ठीक है? तो नंबर सीरीज कई तरह की हो सकती है। एग्जाम में जब हमारे पास हम सॉल्व करते हैं तो बहुत टाइप की हो सकती है। मैंने वो टाइप्स यहाँ पे मेंशन की हुई हैं और साथ में एक एक एग्जाम्पल, जैसे ये दोनों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हमने लिए हैं और ये भी प्रीवियस ईयर का है, तो इनको हम देखेंगे भी कैसे हमने सॉल्व करना है। लेकिन हमने दिमाग में एग्जाम के वक्त ये सारी अप्रोचेस रखनी है। पहली बात तो जब भी आपके सामने नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है, आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि यू हैव टू एनालिसिस दैट नंबर्स। आपको उन नंबर्स को एनालाइज करना है कि ये नंबर कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं देखते हैं हम। देखिए जी, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, 1, 3, 5, 7। आपको देखने में इनमें कुछ कांस्टेंट डिफरेंस नजर आ रहा है। अगर आप चेक करोगे 1, 3, 5, 7 क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, देखिए पहले दो में डिफरेंस है, दो का, फिर दो का, फिर दो का, नजर आ रहा है या नहीं? तो आप अब मुझे क्लियरली बता सकते हो कि 7 के बाद क्या आएगा, अगेन +2 ऐड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। आपने देखा हर जगह पे क्या हो रहा था, +2, +2, +2। तो ऐसी सीरीज को करना बड़ा इजी रहता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं थी और छोटे जो नंबर्स होते हैं, ये 10 तक के नंबर्स होते हैं, उसको हम ध्यान से आंखों से देख के बड़ी जल्दी एनालिसिस कर लेते हैं, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस को, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अरिथमेटिक सीरीज, मतलब इसमें या तो ऐड हो रहा है या समथिंग सब्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट में कुछ जब कांस्टेंट ऐड हो तो उसको हम इस सीरीज में ले लेते हैं, क्योंकि इसमें जस्ट 2, 2, 2 ऐड हो रहा है। ऐसे ही हमें सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें 2, 2, 2 माइनस हो रहा हो। अब हम देखेंगे टू स्टेज सीरीज। टू स्टेज सीरीज में ध्यान दीजिए आप क्या हो रहा है। अगर आप चेक करेंगे टू स्टेज सीरीज को तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमने सबसे पहले यहां पे डिफरेंस देखेंगे भी क्या डिफरेंस है। प्लस क्या हो रहा है, 3, इसमें प्लस 5, इसमें +7। तो कुछ लग रहा है +3, 3 अगर होता तो हम समझ जाते कि कांस्टेंट ऐड हो रहा है। लेकिन यहां पे भी हमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि 3, 5, 7 एडिंग सम ऑड नंबर्स, ये ऑड नंबर्स की सीक्वेंस है 3, 5, 7, आगे क्या होगा, 9। गुड, तो 9 को अब हम ऐड करेंगे 17 में। जब हम 9 को ऐड करेंगे 17 में तो वो हमारे पास आ जाएगा 26, राइट? तो हम कर क्या रहे हैं, अप्रोच हमारी क्या है? हमने एग्जाम में कोई ये नहीं ध्यान में रखना ज्योमेट्रिक होता है, अरिथमेटिक होता है। हमने एग्जाम में एनालिसिस करना है अपनी गिवन सीरीज को, सिंपल, राइट? अब आगे प्रोसीड करते हैं। मैंने फिर लिखा है ज्योमेट्रिक सीरीज, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड या मल्टीप्लाई, सिंपल। कैसे हो रहा है, 2, 4, 8, इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि कुछ ऐड नहीं, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ज्यादा तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं आगे। 8 के बाद सीधा 16 आ गया, 16 के बाद सीधा 32 आ गया, तो दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई 2 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 2 हो गया, 8 मल्टीप्लाई 2, 16 मल्टीप्लाई 2, तो 32 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 64, राइट? एक चीज और बता दूं आपको, जितनी प्रैक्टिस आप एग्जाम से पहले कर लोगे दैट इज द बेस्ट थिंग। आपको कॉन्फिडेंस होगा एग्जाम के वक्त के हाँ, अगर नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक अच्छी सी कोई बुक ले सकते हो, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो एंड बी कॉन्फिडेंट कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, आगे प्रोसीड करते हैं हम मिक्स्ड सीरीज में।
मैंने एक एग्जाम्पल ली हुई है मिक्स सीरीज में, ध्यान से आप उसको एनालिसिस कीजिए कैसी है। पहले तो देखें कुछ बढ़ रहा है 2, 5, 9, 1937। जब भी हम 2 के बाद 5 को देखते हैं पहले तो दिमाग में आता है +3। एक मेथड और होता है, अगर 2 × 2 करें और +1 करें तो हमारे पास क्या आएगा 5। ठीक है, तो इसमें कैसा कैसी चीज हो रही है, मिक्स्ड का मतलब क्या है, वी आर एडिंग समथिंग एंड वी आर मल्टीप्लाइंग समथिंग, कैसा कैसी सीरीज है ये 2, 5, 5 कैसे बना +2 + 1। राइट, अब हम मल्टीप्लाई लेकर चलेंगे दिमाग में आगे भी क्या मल्टीप्लाई से कुछ बन रहा है। अब देखें 5 × 2 कितना होता है 10, लेकिन यहां भी क्या है 9, इट मींस वी आर सब्ट्रैक्टिंग 1। ओके, देखते हैं करके शायद ऐसा ही हो जाए, +2 − 1। अब आगे देखते हैं 9 से क्या बनाना है 19, 9 × 2 + 1 क्या 19 होता है, हाँ जी। अब हम खुद अप्लाई करके देखेंगे, 19 × 2 − 1 करेंगे, पहले 2 × 1 + 1 × 2 − 1 × 2 + 1, अब −2 − 1 क्या 37 बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा आप खुद दिमाग लगाइए, −2 + 1 37 × 2 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास जब इसको हम सॉल्व करेंगे, हाँ जी सॉल्व कीजिए 75 इसका आंसर बी ऑप्शन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड सीरीज। राइट, तो क्वेश्चन को करते वक्त जरूरी नहीं है उसमें जस्ट कुछ ऐड ही हो या कुछ मल्टीप्लाई ही हो, मल्टीप्लाई एंड ऐड दोनों ऑपरेशंस यहां पे अप्लाई हो रहे हैं। और ये चीजें कैसे आती हैं, जस्ट प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी आपकी उतने ज्यादा अच्छे से आप सॉल्व कर सकोगे। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं हम, जब भी नंबर सीरीज सॉल्व करनी हो तो दिमाग में आप लोगों के परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब एटलीस्ट 13, 14, 15, 20 तक आपके याद होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो 4 × 4 कितना 16, 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36 एंड 7 × 7 कितना होता है 49, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 49। क्यूब एंड स्क्वायर जैसी भी आपको सीरीज गिवन हो सकती है, कई बार एग्जाम्स में मैंने देखा है कैसी सीरीज आती है, पहले 4 × 16 लिख दिया फिर 4 का क्यूब लिख देते हैं साथ में। ठीक है, पहले 4 × 16 तो उसका क्यूब, ऐसे ही 5 × 25 = 125। राइट, तो ये चीजें भी दिमाग में होनी चाहिए हमारी। फिर लास्ट हमारे पास क्या सीरीज गिवन है आप ध्यान से देखिए, अल्टरनेट सीरीज। देखिए अब तक जितने भी हमने सीरीज की है जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो प्रीवियस एलिमेंट से आ रहा है, बट दैट इज नॉट कंपल्सरी के प्रीवियस से ही हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आए, मे बी उसमें कुछ और अप्लाई किया हो, जैसे कि हम ऑल्टरनेट सीरीज में देखेंगे। देखिए हमें जब सीरीज को इसको एनालिसिस किया देखा, जस्ट देखने से हमें लग रहा है कि कुछ ऐड हुआ फिर माइनस फिर ऐड माइनस, बड़ी रकम छोटी रकम, तो हम जब भी ऐसा हो पहली बड़ी फिर छोटी बड़ी छोटी बड़ी ऐसे आ रहा है ना कुछ, तो हमें कुछ और सीरीज भी मिल रही है इसमें, अगर इसको ध्यान से देखेंगे हम तो हमें पता चल रहा है कि अगर हम अल्टरनेट टर्म्स लें एक टर्म छोड़ के 1, 5, 9 तो ये टर्म्स बढ़ रही हैं, और अगर ऐसे लें 6, 11, 16 तो ये भी टर्म्स बढ़ रही हैं, मतलब कुछ कम नहीं हो रहा, तो इट मींस इस एक सीरीज में दो सीरीज छुपी हुई है। 1 से क्या बना 5, क्या ऐड किया +4, 5 में क्या ऐड किया +4 + 4 ऐड करो क्या आ जाएगा यहां पे 13। राइट, तो कैसे अप्रोच यूज की मैंने ये अल्टरनेट सीरीज में, क्योंकि इसको जस्ट देखने से लग रहा था कि फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन थर्ड एलिमेंट
और फिफ्थ एलिमेंट और सेवंथ एलिमेंट से हो सकता है, सेकेंड का फोर्थ सिक्स्थ एट एलिमेंट से हो सकता है। तो मेन अप्रोच, जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है 2 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स हमारे पक्के हैं, हमने ये अप्रोच यूज करनी है। अप्रोच में सबसे पहली चीज है कि हम उसको उस सीरीज को देख के अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं। सीरीज को देखें, ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है, पहले आप सीरीज को देखें जो आपको गिवन है, उसको ही बनाने की कोशिश करें, आपके पास आंसर आ जाएगा और वो आंसर आपका ऑप्शंस में पड़ा होगा, राइट। तो इसको आप ध्यान से नंबर सीरीज को कवर कर लेना। नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करते हैं। थैंक्स अ लॉट।